जय श्री राम। मैं हूं अजय और स्वागत है आपका वेद नीति 2.0। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका डंका पूरे इतिहास में बजता है, या फिर हम यूं कहें कि उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत के नाम का डंका बजा दिया था। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इस वीडियो में हम एक और शख्स के बारे में बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में इस्कॉन द्वारका में स्वामी हैं, जिनका नाम है अमोघलीला प्रभु। तो हाल ही में अमोघलीला प्रभु का एक वीडियो आया था जिसमें स्वामी विवेकानंद के ऊपर टिप्पणी करते हैं, और टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि क्या एक कोई सिद्ध पुरुष मांस मच्छी खा सकता है, और अगर वो मांस मछली किसी जीव को मार सकता है तो क्या वो सिद्ध पुरुष है। और एक टिप्पणी उन्होंने की थी कि जतो मत ततो पथ। अब इसका क्या मतलब है पहले हम वो समझ लेते। हमने इस वीडियो को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला, अगर हम बात करें, हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, जतो मत ततो पथ। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि क्या स्वामी विवेकानंद मांस मछली खाते थे। और आखिरी में हम एक मेन मुद्दे पर बात करेंगे जिसकी वजह से इंटरनेट पे सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये सारा बवाल हुआ है, उसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। तो वो आखिरी जो पॉइंट होगा वो होगा कि स्वामी विवेकानंद के मांसाहार पर विचार क्या थे। ये वीडियो किसी के समर्थन या फिर किसी के विपक्ष में नहीं है। ये वीडियो हम किसी के समर्थन या विपक्ष में नहीं बना रहे। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आखिर में आपको पता चले कि साधु संत के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। तो हम आपको प्रॉपरली शास्त्र में लिखा क्या है, आखिर मांस मछली खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कौन खा सकता है कौन नहीं खा सकता है, और क्या मांस मछली खाकर पूजा अर्चना की जा सकती है, क्या गलत तरीके से भगवान को पाया जा सकता है, और क्या ये कर्म सही है। हम सिर्फ इन चीजों पर बात करेंगे, ना हम किसी को गलत कहेंगे ना हम किसी को सही कहेंगे। बाकी आप लोग खुद जज कर लेना कौन सही है कौन गलत है, और शास्त्र आखिर किसको गलत बताते हैं और किसको सही बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो। मेरे को यहाँ से मायापुर जाना है, गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहाँ निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जतो मत ततो पथ। जतो मत ततो पथ पे अमोघलीला प्रभु का कहना है कि भैया अगर किसी को भी मायापुरी जाना है, जैसे मान लो कि मुझे मायापुरी जाना है, तो मैं किसी भी रास्ते से, मान लो चारों दिशाओं में से किसी भी रास्ते से मायापुरी नहीं जा सकता हूँ। अब जतो मत ततोपत पर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारणाएं हो सकती है, लेकिन मेनली हम दो लोगों के मुद्दे के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेनली हम दो ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। जो पहला ग्रुप आता है वो अमोघलीला प्रभु की बात से सहमत है, और जो दूसरा ग्रुप आता है वो किसी दूसरी बात से सहमत है। तो हम दोनों में कंपेरिजन करते हैं। पहला जो ग्रुप है, जो अमोघलीला वाला ग्रुप है, वो ये कहता है कि भाई अगर मुझे किसी भी रास्ते से कहीं जाना है तो मैं किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, मुझे एक उचित रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा कि भाई मेरे को मान लो कि मायापुरी जाना है, मेरे को कहीं भी किसी भी रास्ते पे किसी भी मंजिल पे पहुंचना है, तो मुझे एक रास्ते का, एक उचित रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा, उसके बाद मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। और तो और हमें जिस रास्ते को चुनना है उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी होनी भी चाहिए, और अगर मान लो कि हमारे पास जानकारी नहीं भी है पर इतनी सूझबूझ तो हमें होनी चाहिए कि हम उचित मार्ग का चुनाव कर सकें। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमोघलीला प्रभु वाला जो ग्रुप है, जो उनके जो समर्थक हैं या उनके जैसी जो विचारधारणा रखते हैं, उनका कहने का मतलब है कि हर रास्ते को हर एक व्यक्ति हर एक टाइम पर नहीं चुन सकता, किसी भी एक रास्ते को चुना जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप के लोगों के बारे में जो अमोघलीला के विपक्ष में है। अब जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जतो मत ततो पथ का मतलब है कि जितना संभव हो सके उतने रास्तों से, मतलब कि अगर मान लो कि आप इस रास्ते से नहीं जा पा रहे हो तो दूसरे रास्ते से चले जाओ, दूसरे रास्ते से नहीं जा पा रहे हो तो तीसरे रास्ते से चले जाओ। या फिर एक विचारधारणा और है इसकी, जैसे कि लोग कहते हैं कि एक जो गंगा नदी है उसमें उसकी सहायक नदी आकर मिलती है, उनका जो मार्ग है वो अलग अलग तरीके से आता है लेकिन वो मिलती गंगा में ही है, एटलीस्ट मतलब कि गंगा ही बन जाती है। तो इस प्रकार के लोगों का यह भी मानना है कि जब अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो अलग अलग रास्तों से जाते हैं लेकिन उनको एटलीस्ट जाना परमात्मा के पास ही है, तो आत्मा का परमात्मा से ही मिलन होता है एटलीस्ट। तो जतोमत ततोपत के जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो इस प्रकार की अवधारणा रखते हैं कि जतोमत ततोपत का मतलब ये होता है कि भाई एक दिन आत्मा को परमात्मा के पास जाना ही है, तो मतलब अलग अलग रास्तों से हर कोई जाता है पर जो उसका एंड डेस्टिनेशन है वो परमात्मा के पास ही जाना है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पे कि विवेकानंद मांस मछली खाया करते थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी मांस मछली खाया करते थे। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है, और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए ठीक है तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो क्या मछली खाएगा वो? देखो वैसे हम विवेकानंद जी का सम्मान करते हैं, अगर यहाँ विवेकानंद जी खड़े होते मैं उनको दंडवत करता, एज अ व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। लेकिन जो चीज स्वीकार्य नहीं है
अस्वीकार्य नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी दो प्रकार के लोग हो सकते हैं जिनकी अलग अलग उदाहरणें हो सकती है। अब देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के दो पक्ष और विपक्ष, दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। हर एक टिप्पणी, हर एक अवधारणा के दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में। तो हम यहाँ पे दो प्रकार के लोगों की बात करेंगे, हम यहाँ पे भी दो प्रकार के लोगों की बात करेंगे, पहले जो पक्ष में है और दूसरे जो विपक्ष में है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर मान लो कि स्वामी विवेकानंद अगर मांस मच्छी खाते भी थे तो इसमें बुराई क्या थी, आखिर वो थे तो साधु संत, उन्होंने बहुत कुछ त्यागा वगैरह वगैरह, वो अपने खर्चे पर ट्रैवल किया करते थे, राजा महाराजा उनको काफ़ी धन देने की वो भी चेष्टा भी करते थे, लेकिन वो कभी किसी का पैसा लेते नहीं थे, अपने उससे ट्रैवल करते थे और सब कुछ अपने उस पर उठाया और उन्होंने काफ़ी भारत का नाम बढ़ाया यहाँ पे भी और दूसरी जगह। परंतु देखो दोस्तों सच जो होता है ना वो कड़वा होता है हमेशा। अब देखो कुछ लोग इसे ऐसे देखते हैं कि आखिर मांस मछली खाने से होता क्या है, जो लोग मांस मछली का सेवन पहले से करते हैं वो लोग इसी प्रकार से इस चीज़ को देखते हैं कि मांस मछली खाने से क्या होता है, अगर वो थे तो साधु संत, उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया और वगैरह वगैरह जो भी है। अब इस पर भी दो प्रकार के लोगों के उदाहरण है, एक जो पक्ष में होते हैं एक जो विपक्ष में होते हैं। अब हम पहले ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो अमोघ लीला के पक्ष में, यानी कि जो पहला ग्रुप है वो कहता है कि आखिर एक साधु संत किसी जीव को मारकर क्यों खाएगा, और अगर किसी जीव को उसने मार दिया और फिर उसका सेवन कर लिया, उससे अपना खुद का शरीर बढ़ाया किसी दूसरे के शरीर को मार के, तो आखिर वो साधु कैसा, आखिर वो संत कैसा, आखिर वो परोपकार करने वाला व्यक्ति कैसा। इस पर किसी कवि ने भी पंक्ति लिखी है कि जो परोपकारी होते हैं ना वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते, कभी खुद भूखे रह जाते हैं दूसरे को खिलाते हैं। कवि ने क्या लिखा है कि तरोवर फल नहीं भगत है नदी नंच में, नीर पर कारण के कार्य से संतन धरो शरीर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पेड़ कभी फल नहीं खाता, नदी कभी पानी नहीं पीती, और जो साधु होता है वो अपने शरीर को अपने लिए नहीं बिगाड़ता, साधु हमेशा दूसरों की भलाई करता है। दूसरों की भलाई में भले वो जानवर हो, भले वो पशु पक्षी हो, भले वो मनुष्य हो, किसी भी प्रकार के जो भी भले होते हैं वो दूसरों के प्रति करता है, क्रूरता नहीं करता, उसे साधु कहते हैं, उसे संत कहते हैं, ये शास्त्र कहता है। अब हम दूसरे ग्रुप के लोगों के बारे में बात करेंगे जो स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पे समर्थन करते हैं। तो भाई दूसरे प्रकार के लोग ये कहते हैं कि भाई मांस खा लिया तो खा लिया, क्या बिगड़ गया, शरीर का भरण पोषण ही तो किया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम भी तो किए हैं। परंतु हम यहाँ पर 99 अच्छे और एक बुरा कर्म की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर अगर एक बुरा कर्म है तो भी वो बुरा कर्म है। अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, अगर शास्त्र जी को कहता है इस बात के बारे में, अगर वैसा हम देखें तो अगर किसी जीव को अगर आपने मारा और उससे अपना भरण पोषण किया तो ये महापाप की श्रेणी में आता है। और तो और कलयुग में तो मांस का सेवन करना, यहाँ तक कि पशु बलि देना भी महापाप है, पशु बलि देना भी निषेध है कलयुग के अंदर। तो पशु बलि भी नहीं देनी चाहिए, किसी जीव को मारना ही नहीं चाहिए, शास्त्र तो यह कहता है। और जो लोग ऐसा करते हैं घोर नरक में जाकर गिरते हैं, और जब नरक में उनको सजा भोगनी होती है ना, जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो उनको फिर जब वो मांस भक्षण, जब धरती पर मांस भक्षण कर रहे थे तो उनको वहां पे भी उन्हीं का मांस खाना पड़ता है। इसलिए मांस भक्षण कलयुग में निषेध बताया गया। ठीक है, अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि भाई जो साधु संत होते हैं ना वो मांस नहीं खाते, जो बुरी आदतें होती वो साधु संतों में नहीं होती, और शास्त्र भी यही कहता है कि जो साधु होता है ना उसमें बुरी आदतें नहीं होती। और यहाँ पे सिद्ध पुरुष का बहुत एक व्याख्यान किया गया, सिद्ध पुरुष, तो भाई सिद्ध पुरुष भी वही होता है जिसने सब कुछ सिद्ध कर दिया, भाई आत्मा ने की यह सिद्ध कर दिया कि भाई अंतिम जो कड़ी होती है वो मोक्ष होती है, उससे ऊपर कोई कड़ी नहीं है, वह सिद्ध पुरुष कहलाता है। तो सिद्ध पुरुष है वो कभी भी किसी जीव पर अत्याचार नहीं करता, शास्त्र यही कहते हैं। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि घर बार मान सम्मान इसका उसका तेरा मेरा, ये मकान ये कोड़ी ये हीरे ये मोती ये जायदाद ये पुत्र ये स्त्री ये कलत्र ये रिश्तेदार ये मकान ये सब कुछ अगर हमने छोड़ दिया तो आखिर मांस छोड़ना क्या बड़ी बात है। अगर मांस वो नहीं छोड़ पा रहा है तो फिर वो साधु कैसा, अगर वो मोह ही नहीं त्याग पाए तो साधु कैसा, वो संत कैसा। ये शास्त्र कहते हैं कि जो साधु होते हैं वो मोह त्याग देते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके आखिरी मुद्दे और सबसे बड़े मुद्दे की, यानी कि स्वामी विवेकानंद के मांसाहार पर विचार क्या थे। स्वामी विवेकानंद ने कई बार मांसाहार पर अपने विचार रखे, कई बार उनके शिष्यों ने उनसे सवाल किए, कई बार उन्होंने अपनी राय मांसाहार के ऊपर रखी। एक बार स्वामी विवेकानंद के शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या मांस और मछली का सेवन करना जरूरी है। इस पर विवेकानंद शिष्य को मांस और मछली खाने की सलाह देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि अगर इस चीज से कभी कोई नुकसान होता है तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। अरे भाई क्या आप ख्याल रखोगे, आपने पूरा का पूरा अपने भरण पोषण के लिए पूरा का पूरा जीव निपटा दिया, वही अब इससे ज्यादा नुकसान और क्या होगा। आप किसी की जीव हत्या करके अपने शरीर का भरण पोषण कर रहे हो, इससे बड़ा तो पाप भी कुछ नहीं हो सकता। और तो स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं कि हमारे देश की भीड़ को देखो, हर किसी के चेहरे पर उदासी, दिल में साहस और उत्साह की कमी नजर आती है। भैया क्या मांस खाने से उत्साह की कमी पूरी हो जाती है क्या? हर किसी के चेहरे पर जो उदासी है और उत्साह की कमी है, तो अगर वो मांस मच्छी खाएगा तो उसकी उत्साह की कमी भी पूरी हो जाएगी, उसके चेहरे पर से उदासी भी हट जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जो मांस मच्छी खाता है उसके चेहरे पर उदासी नहीं होती, उसके उत्साह की कमी कभी नहीं होती, ये तो लॉजिक ही नहीं बनता। वो आगे कहते हैं कि इन लोगों के बड़े बड़े पेट है, इसका मतलब जिसका बड़ा पेट है वो मांसाहार खा सकता है, मतलब उसका पेट रोटी खाने से नहीं भरेगा, दाल चावल खाने से नहीं भरेगा, वो सिर्फ मांसाहार खा के ही उसका बड़ा बड़ा पेट भर सकता है। इसका मतलब तो ये हो गया, जो गंजा है उसके खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है, तो लॉजिक तो कुछ भी बन सकता है। बड़ा पेट है वो मांसाहार कर रहा है, गंजा है उसके खोपड़ी में दिमाग नहीं।
ये तो कहीं से कहीं तक लॉजिक बनता ही नहीं है। और हाथ पाँव में बिल्कुल जान नहीं है, तो सिर्फ मांस खाने से हाथ पाँव में जान आती है। हम भी रोटी खाते हैं, और साधु संत होंगे वो भी रोटी खाते होंगे, और कभी कभी कोई किसान मजदूर होते हैं जो नहीं है, तो उनके हाथ पाँव में जान नहीं है। तो किसान मजदूर है वो कभी कभी एक टाइम की रोटी खाते हैं, तो क्या उनके हाथ पाँव में जान नहीं है, क्या खत्म ही हो जाती है उनकी डिग्री? ये लॉजिक नहीं बनता है। वो कहते हैं कि छोटी छोटी बात पर डरने वाले कायरों का झुंड लगता है। देखो डर हर किसी को लगता है, ये है ही नहीं कि डर किसी को नहीं लगता हो। किसी चीज से अगर कोई नहीं डरता होगा ना, अंधेरे से, तो अंधेरे से और मौत से हर किसी की फटती है। ये छोटी छोटी बात में कायरों का झुंड लगता है, ये इलॉजिकल बात है पूरी। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। शिष्य आगे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या मांस खाने से शरीर में ताकत आती है? तो भाई अगर रोटी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, ढंग से पौष्टिक आहार लेंगे तो भी ताकत आ जाएगी। मांसाहार खाने से ही ताकत नहीं आती सिर्फ खा लो। तो इस पर किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि धन का घमंड प्यारे मन को सुदूर करो, खोलत खजाना माल सब यहीं रह जाना है। अल्प काल में जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहां से हो वहीं पर फिर जाना है। झगड़े लड़ाई का है कुछ भी मोल नहीं, लाखन में एक बात तुमको बताता हूं कि अंत में मर जाना। इस चीज का ध्यान रखो कि पैसा कोड़ी जायदाद सब यहीं रह जाएगा, शरीर भी यहीं रह जाएगा। किसी से लड़ना झगड़ना, किसी को पैसों के लिए बर्बाद करना, पाप करना, ये सब यहीं रह जाएगा धरा कर। इसलिए ये सब मत किया करो। कहने का मतलब है कि धार्मिक बनो अंदर से भी और बाहर से भी। जैसे भगवान की पूजा हम करते हैं ना, सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए मत करो। सिर्फ हमारे लिए कुछ पाने के लिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसे भगवान की पूजा मत करो, वो स्वीकार नहीं है। कबीरदास जी ने भी इस पर बढ़िया एक चीज कही है कि अगर नहाए धोए हरी मिले तो मैं नहाऊं सो सो बार, अगर नहाए धोए हरी मिले तो मैं नहाऊं सो सो बार, निर्मल मन ते हरी मिले प्यारे मन का मैल उतार। महाराज निर्मल मन रखो, निर्मल तन रखो। अब इसका मतलब ऐसा नहीं होता है, अब बहुत सारे इस चीज का मतलब भी गलत निकाल देते हैं। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहाए धोए हरी मिले तो मैं नहाऊं सो सो बार, तो भाई नहाने ही छोड़ दिया है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने तो कहा था, एक महान पुरुष थे, उन्होंने कहा था कि भाई नहाने धोने से हरी नहीं मिलता, तो हम तो नहीं नहा रहे आज के बाद, हम तो 365 दिन नहाएंगे, दिवाली से दिवाली नहाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई नहाए, इसका मतलब ये होता है कि भाई तुम नहा रहे हो ना, अगर तुम नहा रहे धो रहे हो, अपना तन का मेल उतार रहे हो, तो मन भी तुम्हारा वैसे ही साफ होना चाहिए जैसे तुम अपने हाथ पाँव मुंह को साफ करते हो ना। उसी प्रकार अगर मन तुम्हारा साफ है तो भगवान तुमको मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कीचड़ में सन के भगवान की तरफ खत्म नहाओ ही नहीं, भगवान के पास चल जाओ। एक महापुरुष ने कहा था कि नहाए धोए हरी मिले तो मैं नहाऊं सो सो बार, तो मैं नहा के ही नहीं आया। तो भाई नहाना भी जरूरी है और मन का मैल उतारना भी जरूरी है, तब जाके एक धार्मिक पुरुष कहलाता है। तो शिष्य अगला सवाल पूछते हुए कहता है, लेकिन गुरुजी वेदों में मनुस्मृतियों के नियमों के तहत तो मांस मच्छी खाने की मनाही है। तो स्वामी विवेकानंद ने सवाल के जवाब में कहा कि इन दोनों में हत्या करने से भी दूर रहने का आदेश दिया गया है। वेदों में कहा गया है कि कभी किसी भी प्राणी को चोट ना पहुंचाओ, वहीं महर्षि मनु ने भी कहा है कि इच्छा को खत्म करने से ही महान परिणाम मिलते हैं। महाराज इसका मतलब यह है कि इच्छाओं को खत्म करने से महान परिणाम मिलते हैं, तो मांस खाने की इच्छा का, किसी को मारने की इच्छा का जो इच्छाएं हैं उनको खत्म करो। इसका मतलब ये नहीं है जो तुम्हारी अच्छी इच्छा है उनका निपटारा कर दो, समाप्त। आज से सिर्फ बुरे बुरे कर्म करेंगे, आज से मांस खाएंगे, आज से किसी को गोली मार देंगे, खत्म। स्वामी जी आगे कहते हैं कि पूर्वी बंगाल में काफी लोग ज्यादा मछली और मांस खाते हैं, वे लोग बंगाल के उस हिस्से से ज्यादा स्वस्थ हैं जहां ऐसा नहीं किया जाता। मतलब स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि भाई एक एरिया है बंगाल का, उसमें बहुत सारे लोग मांस मछली का सेवन करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ रोटी चावल दाल हरी सब्जियां ये खाते हैं। तो वो लोग जो मांस मछली खाते हैं वो ज्यादा स्वस्थ हैं उनके मुताबिक, अगर उन्होंने कोई ऐसा सर्वे उस टाइम पे किया होगा तो वो कहते हैं कि उनके मुताबिक मांस मछली खाने वाले ज्यादा स्वस्थ हैं, वो ज्यादा हष्ट पुष्ट हैं। और जो मांस मछली नहीं खाते, जो रोटी दाल चावल हरी सब्जियां खाते, वो बिल्कुल उनकी डिग्री खत्म। तो भाई ऐसा नहीं होता। आज के जमाने में आप देखो, राजस्थान में देखो, एमपी में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, दक्षिण बंगाल में देखो, है ना, या हिमालय की तरफ देख लो, जो लोग हरी सब्जियां खाते हैं वो भी हष्ट पुष्ट हैं, जो लोग मांस मछली खाते हैं वो भी उनके हिसाब से हष्ट पुष्ट हैं। प्रोटीन की जहां बात है, जो इस शरीर को भाड़ा चाहिए होता है ना, शास्त्र ये कहता है कि जो शरीर को दो रोटी का भाड़ा चाहिए होता है, अगर वो भी कोई पर्याप्त खाता है ना, तो उसका जीवन चक्र भी वैसे ही चलता है। और बहुत सारे मांस मछली खा जाते हैं उसके बाद भी उनका जीवन वही है, सिर्फ शरीर फुलाने से काम नहीं चलता। एनर्जी लेवल किसका ज्यादा है यहाँ पर, ये शास्त्र ये कहता है कि एनर्जी लेवल किसका ज्यादा है, ये इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। तो एनर्जी लेवल अगर आप में है ही नहीं, आपने शरीर फुला लिया मांस मछली खा के, किसी का किसी निपटा के, किसी का गर्दन उड़ा के, किसी का दिल, किसी का गुर्दा, किसी का लेग पीस, किसी का ट्राई पीस, किसी का राइट पीस, जो भी पीस है वो अगर सब खा भी लिए तो क्या उससे होगा? क्या आप सिर्फ शरीर फुला रहे हैं, मानसिकता आपकी वही है, आपका दिमाग इतना ही सीमित दायरे में, हष्ट पुष्ट होने, खाने से हष्ट पुष्ट होने का कोई वो नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई जिस जगह लोग दाल चावल खाते हैं ना, उस जगह भी लोग स्वस्थ हैं, उस जगह भी लोग अच्छे हैं। और अगर एनर्जेटिक लेवल आप और ज्यादा देखना चाहो तो आप किसान को देखो। एक वो होता है जो बॉडी बिल्डर, अगर अभी का अगर कंपैरिजन करो तो एक बॉडी बिल्डर को ले लो, एक किसान को ले लो,
एक मजदूर को ले लो, किसान और मजदूर या फिर बॉडी बिल्डर। अब अगर आप देखो तो बॉडी बिल्डर की बॉडी ज्यादा फुली हुई होती है, किसान थोड़े देखने में, किसान और मजदूर ऐसे होते हैं क्योंकि दिन भर काम करते हैं, बॉडी बिल्डर दिन भर प्रोटीन दिन भर। तो होता क्या है ना कि अगर बॉडी बिल्डर से कहा जाए यार तू ऐसा करके 10 किलोमीटर रन अप कर, या फिर कि भाई ऐसा करके डबल मंजिल मकान है इस पर 10 तगारी 20 तगारी रेती या फिर ईंटे भाटे जो चढ़ाने हैं वो चढ़ा दें, भाई वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ बॉडी ही फुलाई है, वो उसके डंबल ही उठा सकता है। और वहीं किसान को अगर कह दिया जाए कि भाई तुम डंबल, तो वो आसानी से उठा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी हैबिचुअल है, और क्योंकि उसको इतनी हैबिचुअल है, और वो उस प्रकार के काम भी करता है, वो सिर्फ बॉडी फुलाई नहीं है उसने, जो प्रोटीन वगैरह जो आजकल चल रहे हैं ना बॉडी फुला लेते हैं, मांस भी ज्यादातर वही प्रोटीन बॉडी फुलाने के काम में आता है। आप अधिकतर देखोगे ना मांस खाने वाले ज्यादा बॉडी में फैट ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे तेल खाने वालों के होता है वैसे फैट मांस खाने वालों के भी फैट ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि शाकाहारियों में नहीं होता, शाकाहारियों में भी होता है। बहुत सारे लोग आएंगे जो कमेंट में कह जाएंगे अरे जल्दी है क्या उनके, होता है शाकाहारियों में भी होता है, बट फैट की जो मात्रा अधिकतर देखी जाती है ना मांसाहारियों में ज्यादा देखी जाती है, जो मांस का भक्षण अधिक करते हैं। और शिष्य स्वामी जी से आगे पूछते हैं और कहते हैं कि क्या मांस मच्छी खाने से शरीर में जुनून बढ़ता है? तो स्वामी जी जवाब में कहते हैं कि मैं यही चाहूंगा कि तुम्हारे अंदर जुनून हो, इस समय जुनून की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। स्वामी जी ने आगे ये भी कहा कि जिन लोगों को आप सत्व गुण वाले व्यक्ति मानते हैं उनमें से 90% जो ज्यादा लोग हैं वो गहरे तमस में डूबे हुए हैं। अब स्वामी जी ने किस प्रकार से कहा कि 90% जो लोग हैं जो सब्जियां खा रहे हैं, जो हरी सब्जियां खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो 90% तमस में डूबे हुए हैं, कैसे कहा ये तो सिर्फ स्वामी जी जानते हैं, इसका डाटा तो हमारे पास भी नहीं है। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, आपके देखने लायक आ ही रहा है, न्यूज पे आ रहा है, सब दूर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि धारा का जो प्रवाह है अगर वो सही दिशा में बहे तो नेचर बनता है, और अगर धारा का प्रवाह गलत दिशा में हो जाए तो आपदा बन जाता है, जैसे कि अभी बाढ़ सुनामी आ रहा है। तो कहने का यहाँ मतलब है कि अगर आप एनिमल लवर है ना, देखो जो लोग अपने आपको एनिमल लवर बताते हैं, जो अपने आपको डॉग लवर, हॉर्स लवर, जो अपने आपको डॉग लवर और भी कई तरह केट लवर जो भी होते हैं, अगर वो अपने आपको एनिमल लवर बताते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जो डॉग लवर हैं इसका मतलब सिर्फ डॉग के लिए आप वो करते हैं, बाकी एनिमल आपकी नजर में कुछ नहीं है, तो फिर आप एनिमल लवर नहीं, आप मुर्गा काट के खा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि आई एम एनिमल लवर। कहाँ से एनिमल लवर भाई, रोज वो चल रहा है फटाफट धड़ा धड़ और फिर बोल रहे हैं कि आई एम एनिमल लवर, रोज शाम को पार्टी चल रही है, बप 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 उड़ रही है झनकार किलो किलो के हिसाब से, तो क्विंटलों के हिसाब से, भाई कहाँ के एनिमल लवर। पहले अपनी परिभाषा है, अपनी मानसिकता है, अपनी अवधारणा है, उनको सही कीजिए, उसके बाद हम इस चीज पर उतरेंगे कि भाई कौन सही है कौन गलत है। अवधारणा आपको, देखो अवधारणा जो होती है ना वो आज मैं कुछ भी कह जाऊंगा, सामने वाला कुछ भी कह जाएगा, कोई मान पुरुष कुछ भी कह जाएगा, अवधारणाएं जो होती है वो सिर्फ अवधारणा होती है, उनके अनुसार आपको क्या चीज पिकअप करनी वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको वहां से किसी महान पुरुष से क्या चीज उठानी चाहिए क्या चीज नहीं उठानी चाहिए आप पर निर्भर करता है। रामायण हुई तो आपको रावण जैसा रोल निभाना है, रावण में से क्या चीज आपको पुटअप करनी है, राम जी में से क्या चीज आपको पुटअप करनी है आपके ऊपर है। अगर महाभारत हुई तो उसमें दुर्योधन भी था, अर्जुन भी था, युधिष्ठिर भी थे, भीष्म पितामह भी थे, और भी कई सारे कैरेक्टर्स है, कर्ण दान के कर्ण भी था, महान कर्ण योद्धा, तो आपको किस कैरेक्टर में से क्या चीज उठानी है आप पे निर्भर करता है ना। अवधारणा देने वाले अवधारणा देकर चले गए, परंतु आपको क्या चीज सही लगती है वो आपको डिसाइड करना है, शास्त्र में से उठाओ, किसी महान व्यक्ति की अवधारणा उठाओ, पर सही चीज का चुनाव आपके ऊपर है, इसीलिए जतो मत ततो पथ है ना, कि जो सही विकल्प है उसको चुनाओ अपनी बुद्धिमत्ता। तो ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिन लोगों तक पहुंचाना उन तक जरूर पहुंचाना, है भाई यही नहीं अटक जाए, क्योंकि इस वीडियो को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवधारणा है ठीक करना बहुत जरूरी है। और हाँ, अभी तक अगर इस चैनल पर आप नए हो, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए तो भाई दबाओ यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, इतना भारी ज्ञान किताबों से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं आपके लिए और आप सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ा रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो डू कमेंट्स, अगर कुछ गलत लगा हो तो भी कमेंट करना, आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करना, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।